मेजर थाना क्षेत्र के मवैया गांव में बीती रात को अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में लगी आग से गृहस्थी के सामान सहित एक बाइक व चार साइकिलें जलकर राख हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात शुक्रवार शनिवार को करीब 12:30 बजे अज्ञात कारणों से मवैया गांव निवासी मोहम्मद इकबाल अली पुत्र शौकत के बने खपरैल में मकान में आग लग गई, जिसमें घर में रखा गृहस्थी का सामान सहित बाइक व चार साइकिलें जल गई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। नाम इकबाल अहमद है, सनात सगी शौकत अली। पता मवैया गाँव। ये आग कैसे लगी है? ये आग सर 12 बजे रात में लगी, मालूम नहीं हो पाया कैसे लगी। सब सो रहे थे, पहली नींद थी, किसी को मालूम नहीं, दो बच्चे सो रहे थे उसी में। अच्छा। लकड़ी का दरवाजा था, अगर तोड़ा न गया होता तो जल जाते, एक मिनट और देर होती जल जाते। गाँव वाले जो है पड़ोसी सब अपना अपना चालू किए, वो समरसेबुल उसी से बिछाए और दरवाजा तोड़ कर उसको बच्चों को निकाले, झांसते हुए जो निकालने गया वो भी थोड़ा। अच्छा, तो इसमें आपका कितने का नुकसान हुआ? हमारा 2.25 लाख ऊपर ही साहब, गाड़ी थी जल गई है। अच्छा, ये तो ये बाइक? हाँ, साइकिलें हैं जी। रजाई गद्दा बिस्तर और खाद्य सामग्री गेहूँ चावल था, थोड़ा खाने के लिए रखे थे जी, खरीद करके जी। और इसमें आपने फायर ब्रिगेड या किसी को फ़ोन किया? नहीं साहब, 12 बजे रात और हमको मालूम भी नहीं था नंबर कि हम दे। जब उसी जगह हम ड्यूटी भी किए हैं, आज रिटायर हैं, फायर ब्रिगेड में हम कई महीने तक रहे। अच्छा। हाँ, अब तो वहाँ बन गया है मेजा में, वहाँ पहाड़ी पर, नहीं तो यहाँ था तहसील में जो जिला परिषद का बना था उसी में था फायर ब्रिगेड कई साल तक।